विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सूचना पर झाबुआ से आ रहे दोपहिया वाहन में सवार दो लोगों के पास से लगभग 50 किलो से भी अधिक गोमांस की शंका के साथ पकड़ा। पुलिस ने अब्दुल सहित एक अन्य आरोपी पर 2004 गोवंश वध प्रतिषेध धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मांस को पकड़ने के बाद VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस थाने में एकत्रित होकर जमकर गो रक्षा की नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उक्त मांस रखने या परिवहन किए जाने का कोई भी लाइसेंस आरोपियों के पास नहीं था। आरोपियों द्वारा झाबुआ की ओर से मेघनगर किसके यहां से मांस ला रहे उस व्यापारी की जानकारी भी सही नहीं बताई। मेघनगर थाना प्रभारी आरती चोराटे के द्वारा उक्त मांस का परीक्षण हेतु थानला वेटरनरी डॉक्टर के पास भेजा गया, जहां उसके सैंपल लेकर बाकी मांस को पंचनामा बनाकर गहरा गड्ढा खोद के डिस्पोज कर दिया गया। मेघनगर गो मांस तस्करी का खेल कई सालों से जिले व क्षेत्र के आसपास चल रहा है। हिंदू रक्षकों और मेघनगर पुलिस टीम की चौकसी द्वारा यह बड़ा मामला एक बार सामने आया है। इस मामले में कई गो तस्करी की परतें भी उजागर हो सकती है। फिलहाल दोनों आरोपियों से मेघनगर पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की जा रही है। झकनावदा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। 11-12 बजे के बीच की बात है, कुछ लोगों ने जो है रास्ते से दो लोग जा रहे थे, उनके मोटरसाइकिल पर मांस रखा हुआ था। गो मांस के संदर्भ में उसको लेकर थाने आए थे, जिस पर पुलिस के द्वारा प्रकरण कायम किया जाकर इसमें जो जब्त शुदा मांस है उसको जांच के लिए भेजा गया है। अभी जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। तो जांच रिपोर्ट आने के पश्चात जो है तदनुसार जो है कार्रवाई आरोपियों के विरुद्ध की जाकर न्यायालय पेश किया जाएगा। 459 गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत प्रकरण कायम हुआ आरोपियों के विरुद्ध। नहीं, ये आरोपी एक तो मेघनगर के हैं, जामीन करके हैं, और दूसरे एक आरोपी और है इसमें कालिया करके है, ये आपके यहाँ पर पीपलपुटा के रहने वाले। ये दोनों एक मोटरसाइकिल से आ रहे थे और इन्हीं को पकड़ कर लेकर आए थे, जिस प्रकार खंडवा शहर के इमली